Nummer 1. Wissen Sie den Text und die Aufgaben? So, Chiara, nicht Clara. Chiara ist nicht allein ins Konzert gegangen. Richtig oder falsch? Richtig. Richtig. Mit wem war sie zusammen? Yes, in first line only. Ich und meine Freundin waren in Tokyo Hotel Konzert. Richtig, sehr schön. Also ich und meine Freundin, die beide. Ich und meine Freundin. Hallo, Moment. ये आपको अगर ढूंढना आ गया ना तो बस हो गया कल्याण गुड इश उंड माइने फ्रेंडिन क्लारा इश नीस्ट लाइन रिश्तिश रिश्तिश नेक्स्ट स्वाई Chiara must have long left for their concert hall at Walden. False. Wo haben Sie das gefunden? In second paragraph, es ist geschrieben, dass die Walden aber not for the Halle, concert Halle, for the program to start. Moment. Nach and Lotion Studenten warten. Nach and Lotion Studenten warten. Oh my God. Means endless. Hours tak wo wait hi karte rahe. Es war ungefähr um 12 kamen einige Fans and teams und fragen uns. For the team they were waiting. So they are waiting since long. तो बहुत वेट करना पड़ा ना उनको तो वेट तो करना पड़ा तो दस सोल्टे रिश्ते जाएं वेट करना पड़ा इसमें लिखा हुआ है कि क्लारा को बहुत वेट करना पड़ा तो उसके सामने तो क्या होगा वेट कहां करेंगे दस सोल्टे रिश्ते जाएं क्लारा मुस्टे स्टूडेंट लांग वाल्टन दस इस रिश्ते यहाँ क्या लिखा है कि आरा मुस्टर लंग है फोर डेयर कॉन्सर्ट हाल है वार्टन तो जनरली वेट करते हैं तो अपन उसके सामने ही करते हैं इसमें स्पेशली मेंशन नहीं किया बट ये लिखा हुआ है नाक एंड लोज इन स्टूडन वार्टन इतना वेट करने के बाद करीब जाके 12 बजे हमको इंफॉर्मेशन मिली कि हाँ भी क्या हाल चाल राइट देखो यहां भी लिखा हुआ है आईने ड्राई थिएटर स्टूडन Drei Viertelstunde, 45 minutes, vor dem offiziellen Einlass durften wir in die Halle. इतना वेट करने के बाद में हमको फिर हॉल के अंदर जाना अलाउड हुआ तो इसका मतलब बाहर ही खड़े होंगे ना कहीं ना कहीं यहां से भी पता चल रहा है क्लार्क नाक एंड लोजन Warden. So the airport is here. The bandholder from hands here. Reporter interviewed. Bandholder interviewed. Okay, wo haben Sie das gefunden? When we are ambassador Finden, we lange we schon sehen. They were asking many questions about this. लास्ट वाले टाइम में तो हम हिम्मत ही छोड़ने वाले थे सो दी बांड कोर्ट इंटरव्यू बांड थोड़ी इंटरव्यू हुआ इंटरव्यू तो इनका हो रहा है
देखो दोबारा से देखो, नाक हैंड रोज इन स्टूडेंट वार्टन, हम लोग इतना वेट किया तो किसने किया? इसने, उसकी फ्रेंड ने, और भी लोग होंगे। एस वाट उडेफेयर उन स्वॉल्फ कॉमन आइनी के फ्रेंड जो उन फ्रैक्टर उन्स, उन्होंने तो बैंड का थोड़ी इंटरव्यू किया, हमारा इंटरव्यू किया उन्होंने, तो हमसे पूछा फ्रैक्टर उन्स व्हेन वी आर अम्बेस्ट इन फिनलैंड, कि आप सबसे किसको ढूंढ रहे हो, मतलब किसके स्टार आप फैन हो एक तरह से। दी लेस्ट स्टूडेंट फोर डे मानलास, कहीं पे ये भी दिया हुआ है क्या कि बैंड को भी इंटरव्यू किया उन्होंने? नहीं है ना, नहीं, नहीं। so that this is false. बैंड वुड हैव मिस्ड इंटरव्यू, वी हैव वुडन इंटरव्यू, हमारा इंटरव्यू लिया गया। ओके या नेक्स्ट, कियारा शाफ्टर श्लिश लिश गांस फॉर्म सूचते हैं, फाइनली वो सबसे आगे आके खड़ी होगी। माइने फ्रंटिन उन इश रंटन, जैसे ही अंदर जाना अलाउ हुआ रंटन दौड़ के गए हम लोग जोफोर्ट सुअर व्यू ने स्टेज के एकदम सामने, उन स्टैंडन श्लिश लिश डायरेक्ट दाफोर, और स्टेज के एकदम सामने ही खड़े हो गए। इतने एक्साइटेड थे ये उस प्रोग्राम के लिए, वहीं चले गए और यही लिखा है कि कियारा शाफ्टर श्लिश लिश गांस फॉर्म सूचते हैं। सो रिश्तिश सी केम देयर दन आल्स एस इन देयर हाले डुंकल वुडे श्री एन आले फॉर आंस्ट। फॉल्स So that's correct, false. क्योंकि वो डर अंधेरे से थोड़ी डर गए थे, इन्होंने तो ऐसे ऐसे कह रहे जैसे लोग अंधेरे से डर गए, मतलब पिक्चर हॉल में जैसे ही मान लो कि बीच में लाइट चली जाए या फिर कोई भी इस तरह से रुक जाए, या पहले हमारे तो पिक्चर हॉल में लाइट जाती थी या फिर एक बार बदलती थी ना, मतलब लाइट चली गई तो जनरेटर से आते थे वो चला देते थे, बट उस बीच में मान लो कि 5-7 सेकंड का अगर टाइम भी लग गया तो हम चिल्लाते थे, तो वो डर से थोड़ी चिल्ला रहे, वो तो ऐसे ही माहौल बनाते हैं लोग। सो आर शेयर इन देयर हाले डुंकल वुडे श्री एन आले फॉर आंस्ट नाइन नेक्स्ट फॉर आंस्ट। नेक्स्ट बिल खान उन श्री अमलाउटेस्टन, बिल नाम का जो बंदा था जो बैंड में ही है गाली बजाने वाला बंदा हंसने वाला, सो वो सबसे जोर से चिल्लाया। फाल्स। फाल्स। कहां लिखा है? दान दिनेश लोस। लाउटर लाउटर लिखा है बट लाउटेस्ट सबसे ज्यादा बड़ा। देखते हैं दान दिनेश लोस, और फिर स्टार्ट हुआ प्रोग्राम। सब चिल्लाए यच कामन दी युंग्स, युंग्स का मतलब अब आए वो बंदे, जैसे टॉम था आल स्टॉम अनथिंग सुस्पीलन, जैसे टॉम ने शुरू किया बजाना गाबेस काइन हाल्टन मेयर, रुकने का नाम ही नहीं लिया गया फिर तो, दी स्टीम उन वार आइन फाकनोर वन सिन, लोग पागल हो गए, मतलब बहुत ही क्रेजी हुए, बहुत अच्छा लगा लोगों को। दान Als Bill auf die Bühne kam, wurde noch lauter. So Bill आया तो और जोर से चिल्लाया गया। Der sah aber auch wieder mal voll cool aus. So उससे भी ज्यादा कोई चिल्लाया क्या? नहीं। पहली बात तो आप ये समझो यहां पे कि Bill खुद नहीं चिल्लाया। Als Bill auf die Bühne kam, wurde. इसका मतलब ये खुद थोड़ी कर रहा है। Passive का मतलब तो पहली बात तो सब्जेक्ट को वो देते ही नहीं है ना इंपॉर्टेंस, कह रहे चिल्लाया गया, जैसे ही उसने बदमाशी करी पीटा गया, तो हो सकता है लोगों के द्वारा पीटा गया हो ना। सो इसमें लिखा है बिल काम उन श्री अमलाउटेस्टन, बिल आया तो सबसे जोर से चिल्लाया, मतलब सबसे ज्यादा तगड़ी परफॉर्मेंस, मतलब जोर से गाया उस तरीके से, बट यहां पे क्या कह रहे हैं वो, Als Bill auf die Bühne kam,
वुडे नोक लाउटर गिस्रीम, लोगों की लोगों का जोश और तेज था तो और हो हल्ला किया गया, ये मतलब है इसका। सो बिल ने नहीं किया, फॉल्स बिल। नेक्स्ट दी बांड मिट लीडर हाबन कियारा दी हंड गिवन, कि जो मिट लीडर है उन्होंने कियारा को हंड दिया, मतलब हाथ मिलाया। हंड गिवन होता है हैंडशेक करना, हंड गिवन ऐसे थोड़ी है कि अपना हाथ काट के दे दिया तू ले जाकर, राइट। हंड गिवन का मतलब है हैंडशेक करना। ऋष्टिश कहां लिखा है? लास्ट पे लगे। Yes. So, Lydus Peter would have Imma Mea Metchen, Rausch, Getragen, Zum Glück, Binish, Nisht, Unki Kip, Dan Kamen, Georg und Tom, Nack vorne. Und इसके बाद में ये दोनों Tom और George जो है दोनों last सामने आए। Ich dachte mir in echt sind die Nockhübser und vor allem die waren so nah, कितने पास हैं मेरे। Als das Konzert zu Ende war, kamen sie alle nach vorne und fassten uns. Fassen का मतलब यहाँ पे टच करना। सब लोग आगे आए और हमको मतलब हाथ उठ लगा देते हैं ना ऐसे। या गिशाफ्ट, और मेरे को फीलिंग आई कि यही इसी दिन का इंतजार था मुझे। इशाबदी हंडे फोन आलन फियर बेरियुट आई हैव टच द हैंड ऑफ ऑल फोर। सो यस दस इज डन रिश्तिश कियारा हंड गिवन। क्या Katzen bewegen im Schlaf ihre Augen, okay? मतलब बिल्लियां जो है नींद में भी अपनी आंखें चलाती हैं, देखिए, okay? In diesem Text लिखा है ना इसमें, in diesem Text geht es um die Frage, worum geht es hier? मतलब एनिमल्स भी ह्यूमन बीइंग्स की तरह सपने देखते हैं क्या? या दास इज रिष्टिश ऑफ थियरे वी मेंशन ट्रॉयमन, कहां मिला आपको ये? दैट्स ट्रू रिष्टिश रागन और एंफक, इसमें सेंस यही निकल रही है कि पूरा सेंस यही निकल रहा है। यस कि अलग अलग रेम फाज है, वो भी ह्यूमन बींग्स की तरह होता है, रैपिड आई मूवमेंट, सो रेम फाज है जी श्लाफन क्लार, कि इतनी देर बाद में केवल बॉडी हिलती है, उस बाद में बॉडी भी नहीं हिलती, केवल आंखें हिलती हैं, इस तरह से नींद में हम लोग मरे समानी हो जाते हैं। सुबह हमको बधाई देनी चाहिए आज उठे हम, क्योंकि कभी कोई दिन ऐसा भी आएगा जब हम लोग सोएंगे लेकिन उठेंगे नहीं। ओ एक्चुअली रूम नाइन या जो ऑफ द टियर वी मेंशन ट्रॉयमन, डरने मत लग जाना। इन देयर रेम फाज है, इन देयर रेम फाज है बे बेवेगन दिस द आउट आउगन दे आर मूविंग द आईज या nur die Augen bewegen sich, rapid eye movement, इसका full form तो यही बन रही है ना? Yes, rapid eye movement full form तो यही है, schnell bewegen im Schlaf, wenn die sich ihre Augen im Schlaf ganz schnell bewegen, als sicher gilt, Hunde, Katzen, Gorillas verbringen zwischen 10 und 15% ihrer Ruhezeit im REM Phase. ये कह रहे हैं कि आपका जितना भी जो जितनी भी देर सोते हो उसमें से 10 to 25
परसेंट ऐसा होता है जिसमें रिंग हाजिर रहता है, डिवाइड किया नेक्स्ट गोरिलास गोरिलास का जो रेम फाजे है सोनिका वो मेंशन की तरह ही है। गोरिलास लासन जिश निष्ठ उन्टर जुखन वो अपने पे एक्सपेरिमेंट नहीं कराने देते करने देते। आपको बे लगा क्या? हाँ जी यस, बे इसलिए है प्रोसेंटुअल की क्योंकि ये सभी का दिया है, केवल गोरिलास का नहीं, सभी का यही है, तो गोरिलास का भी यही है। गिनाओ भी हुंडे कत्सन गोरिलास फरब्रिंगन स्विसन जो प्रोसेंटुअल का मतलब है परसेंटेज वाइज देखें तो इनका सबका ही है, तो गोरिला का भी है और इसके आगे क्या है गिनाओ जो फील विद इन देयर मेंस एग्जैक्टली सेम, सो दैट्स व्हाई दिस इज द आंसर। कि परसेंटेज में देखें तो ह्यूमन बीइंग्स की जितना ही है। नेक्स्ट इसमें क्या हुआ, किसी को स्टोरी पता चली हो तो बताओ, व्हाट हैपेंड हियर इन दिस टेक्स्ट। इसमें कि एक्सरसाइज मतलब स्कूल स्टार्ट करने से पहले बच्चों को अगर कुछ एक्टिविटी कुछ करवा दिया जाए जैसे एक्सरसाइज वगैरह मतलब सेट आ जाए तो और भी ज्यादा एक्टिवली वर्क करते हैं, माइंड उनका ज्यादा काम करता है। कौन सी एक्सरसाइज? गेम्स वगैरह का कह रहे हैं जैसे स्टार्टिंग में होती है। एनीबॉडी एल्स? रागिनी अक्षय हर्षित फिजिकली मतलब उनको वर्क करा रही है, ये तो लिखा ही नहीं इसमें। वो स्वेट आना मतलब यही है कि इनको कुछ पसीना आना चाहिए। हाँ पसीना 15 मिनट्स बिफोर जो भी करना है। एक्चुअली एक्सरसाइज की कोई बात नहीं है इसमें, इसमें बात नहीं है। They are talking about a particular school. What kind of experiment was there? उस particular school में कहाँ थी school? In Einar Gesamtschule. Gesamtschule उसको बोलते हैं। कई बार दो स्कूलों को एक साथ मिला देते हैं। Hauptschule और Realschule को। तो कई जगह तो अलग-अलग चलती हैं। कई जगह तो Gesamtschule की बात है। कहाँ की? उल्लू। यहाँ पे सब उल्लू? नहीं, सब उल्लू नहीं है। इन उल्लू का मतलब वो प्लेस का नाम है उल्लू। नॉर्थलिश फॉन हेलसिंकी, हेलसिंकी के नॉर्थ में हाबन मिशन शाफ्टलर रूम्स लेरर कुर्सलिस फॉर हाई सेंट टेस्ट मिट इरन शुलन गिमाक्ट की अपने स्टूडेंट्स के साथ टेस्ट किया मतलब एक्सपेरिमेंट किया। ऐसे एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं, जैसे आपको नहीं पता आपके साथ भी एक्सपेरिमेंट चल रहा है स्टाम्पिश में। सो ऑफ देम शुलहोफ स्टेल्टन जी मोबिले जाउना वागन आउफ, जाउना वागन, जाउना वागन में जहां पे स्टीम बाथ और इस टाइप का थोड़ा सा आपको दिया जाए तो वागन का मतलब है जनरली तो जाउना के लिए आप कहीं जाते हो किसी इंस्टीट्यूट में या कहीं किसी जगह पे, बट यहां पे गाड़ियों में ही लगा दिया गया जाउना और बच्चों को एक एक करके भेजा गया अपने स्कूल। क्लास स्टार्ट हो उससे पहले 5-10 मिनट का जो भी उन्होंने फिक्स किया कि सबको वो जाउना दिया जाए, पसीना आएगा ऑफ कोर्स पसीने गिमाट। दिस वाज एक्सपेरिमेंट ऑफ देम शुलहोफ अपने स्कूल के कैंपस में वहीं पे स्टेल्टेजी मोबिल जाउना वागन, मोबिल जाउना, मोबिले जाउना वागन, कई गाड़ियां लगा देते होंगे कि ये पांच बच्चे एक साथ में या फिर पूरे के पूरे 15 बच्चे एक क्लास के एक साथ में जाएंगे
पांच सात मिनट का जाओ ना लेके, फिर जाओ ना बात स्टीम बात। डारिंग लिसन जी इरे शुलर इन देयर फ्रू फॉर देम उंटरिस्ट ओडेंटली स्विटशन, क्लास से पहले उनको उनका पसीना निकाला गया, ये ना फरफाशों यू कैन डर सेन बिस फिंसेन मिनूटन लांग। कई बच्चों के साथ 15 मिनट का, कई क्लासरूम्स के साथ 10 मिनट का एक्सपेरिमेंट किया गया। सो इन रिजम टेक्स्ट गेटस दारुम वो रूम गेटस हियर दे दी दी विरकुम दे जोना ऑफ शूडरिस्ट या गिनाओ वी दी विरकुम कि कैसा रहा इफेक्ट कैसा रहा जाउना का स्टूडेंट्स पे, वो ही देखा गया इसमें। The Shuler in Oulu, वहां के जो शुलर थे, स्कूल स्टूडेंट्स को शुलर बोलते हैं जनरली, स्कॉलर को भी बोलते हैं उसे। कॉन्टेंट जिश नाक डेर जाऊना बेसर कॉन्सेंट हियर है, हट एंड वेगन डेर जाऊना विनीगर प्रॉब्लम है, मुस्टन मिंडिस्टन स्पेंसन न्यूटन हिंदी जाऊना आ बेद से आ आ से क्यों नहीं है यस करेक्ट आई द आंसर बिकॉज इसने मिंडिस्टेंस बोल दिया इसलिए से नहीं है। इसने से वाला तो कह रहा है कि कम से कम 15 मिनट, लेकिन कम से कम नहीं, वो तो ये नाक फरफाशों जो भी उन्होंने डिसाइड किया किसी के लिए सेम किसी के लिए फिल्म सेम। सो दिस हाल दस बार डन कॉन्टेंट जिस दिजो ना बेसिक कॉन्सेंटेशन und ja und 12 der versuch versuch ka matlab hai that experiment that trial versuch hat eine theorie bewiesen koi theory thi usko prove kiya usne ya beeinflusste die noten der schüler nur wenig ki bachchon ke marks pe kuch khas farak nahi pada और डाउट आइन हल्ब सियार लांग छह महीने तक ये एक्सपेरिमेंट चला। तो कई मार रहे हो ना, है तो नहीं ना इसमें सॉरी सर मतलब इसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ तो नहीं मिला ना, जस्ट गैस ही कर रहे हो ऐसा तो आपको ये इसका आंसर हो सकता है से से एक मिनट डाउल्टा आइन हल्ब सियार लांग कि छह महीने चलाए है। यस से इज द आंसर दी आंडेन जेक्स मोनाटीगन फरजूक, देखो फरजूक जेक्स मोनाटीगन सिक्स मंथ्स का उनका सक्सेसफुल चला था सॉर्ट से ड्यूरिंग द थ्री मंथ्स ट्रायल। सो ये आधा साल चला, तो आधा साल बोल दो चाहे जेक्स मुनाटे बोल दो एक ही बात है। दैट्स व्हाई से इज द आउटपुट थ्योरी तो कोई बताई नहीं कि ये थ्योरी थी और ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट किया उस पे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया किसी ने सेम किसी ने फंक्शन न्यूटन क्लास के क्लास के हिसाब से ये दूसरे वाले में था और जी कॉन्टन बेसर कॉन्सेंटियरन और एक कह रहा है कि मार्क्स में खास फर्क नहीं पड़ा, मार्क्स में तो शायद फर्क पड़ा है। देखो यहां पे फर्जुक टाइल के नोमन हटन कुंटे ईर नोटन डोइटलिश फर्मेशन डोइटलिश मींस क्लियर कट, उनके मार्क्स में क्लियर कट फर्क दिखा, जो बच्चा 50% लाता था उसके हो गए 65% ऐसे तो या और ज्यादा हो गए होंगे तो फर्क तो पड़ा। बट सर इसको लास्ट में दिया है कि स्कूल्स आर नो लॉन्गर प्लान मींस क्योंकि सब स्कूल्स ने यहाँ लास्ट लाइन में थे इधर स्टूडेंट थे। सो व्हेन एस आउक ऑन अंदरन शूलन अ फुल रेसिस्ट जोल मॉर्गन ग्लिशस स्विट्सन इन देन फिनिशन स्टूडेंट प्लान ऑफ की नॉमन वेडन, वो कह रहे हैं कि
शुरू में क्या पायलट प्रोजेक्ट चलाते हैं ना, कि बहुत बार तो पायलट प्रोजेक्ट चला के कहते हैं कि रेवेन्यू बाकी, फिर कई बार ऐसे होता है कि पहले पायलट प्रोजेक्ट सक्सेस हुआ तो पूरे देश में लागू कर दो, सब स्कूलों में लागू कर दो कि बहुत ही इफेक्टिव रहा है। तो ये कह रहे कि वेनेस आउख एन आंदोलन स्टूडेंट अर्थोक्राइसिस्ट, अगर इस स्कूल के अलावा और स्कूलों में भी अगर ये सक्सेसफुल रहता है, वेन कंडीशन है जोल मॉडर्न लीसिस स्विचन, ये सुबह सुबह लोगों को पसीना इस तरह से निकालना जो है, इंडियन फिनिशन स्टूडेंट प्लान, स्टूडेंट प्लान का मतलब होता है टाइम टेबल, फिनिश फिनलैंड की बात है ये, फिनलैंड की कैपिटल ये वो हेलसिंकी जहां पे वो स्कूल है इन ओलू। सो कह रहे हैं कि अगर ये प्रोग्राम सक्सेसफुल रहता है बाकी स्कूलों में तो उनके इसको हो सकता है कि टाइम टेबल में ही कर दिया जाए कि सबसे पहले स्कूल में जाते ही लोग जाना लेंगे, फिर स्कूल की क्लास स्टार्ट होगी, यही है उसका मतलब। हियर द अनसाइडन एडवर्टीजमेंट्स एमेजोन फ्रीडर जो फर्डिनांड हाथ काइंडनेस लिस्ट नॉटन, बच्चे के जो है मार्क्स तो ठीक ठाक ही आ रहे हैं, काइंडनेस लिस्टन मतलब खराब नहीं आ रहे हैं। अबर जी मार्क दिस जोर्गन वाइल एग्जिस्ट निस्ट गुड कॉन्सेंट्रेशन कान, बट बच्चे का कंसंट्रेशन ठीक नहीं है शायद, तो ऐसे कौन सा ऑफर है इनमें एडवर्टीजमेंट्स में कि जिससे उसका कंसंट्रेशन पे काम किया जा सकते है, ऐसा कौन सा ऑफर आपको दिख रहा है इसमें, हम देखेंगे कि बाकी क्यों नहीं है कंसंट्रेशन के लिए। कंसंट्रेशन वाला यॉट, यॉट लग रहा है, देखते हैं ना खिल्फ है उनमें आप मिनी लैंड क्राइस कॉम्पिटेंस जाइटॉन्जन उडरफियम जिप्सिस इन्फो उन्ट अनमेल्डून आदर फिशर शुल्ड ऊपर उन क्लासन मिनी ग्रुपन आइंसल उन्टरिस्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग फॉर किंडर मिट रेस्ट साइबुंग कॉन्सेंट्रेशन भी वीक रहता है उसके लिए भी ये काम का है। सो यॉट कोई अगर ये बोले कि ये नहीं ये तो वो भी देख सकते हैं हम लोग, बट यॉट में मिल गया हमको कॉन्सेंट्रेशन रिस्टिश पैसेज रिस्टिश ये गुड। नेक्स्ट वेगन इरट अरबाइट कान फ्राउ बाइजलर इरम जोन Nicht Biden House of Garden Helfen Doch ein Unterricht oder nach Hilfe Unterricht oder einen Privatlehrer kann es nicht leisten. Ja. F F ist mir clear hai ki postal law sahi House of Garden. तो इनको postal law से चाहिए क्या? Yes, तो कहे ना nicht she can't, she nicht leisten, she cannot afford it. Yes, correct. मतलब वेगन इज अरबाइट कि मैडम जो है अपने बेटे पे ध्यान नहीं दे पा रही है ना, हाउस ऑफ गार्बेज होमवर्क कराने में मम्मा उसको कराना पड़ता है ना होमवर्क बच्चों का, तो ये अपने काम के कारण ध्यान नहीं दे पा रही और वो ट्यूशन भी नहीं लगा सकती कि भाई पैसे वो अफोर्ड भी नहीं कर सकती। सो एफ में ऐसा कुछ है क्या देखते हैं, हाउस ऑफ गार्बेज विथड्रॉइंग होमवर्क में सपोर्ट करेंगे ये लोग, और डोचर किंडर शूट्स बोन्ड बर्लिन ऐसे का नहीं है मामला, अले उंजरे अंगी बोट जिन कोस्टन लॉस उन उंजरे अरबाइट फोर्जेसन सुक्योनन ब्राउकन वियर ये हिल्फ है स्पेंड एंड कॉन्टो। यस इन्होंने क्या किया कि सबको फ्री कर रहे हैं कि भाई कोई भी आके यहाँ पे अपने ये बच्चे को भेजे कोई दिक्कत नहीं है, फ्री में है, और बाकी उन्होंने दानदाताओं के लिए ओपन कर रखा है, भाई कोई दान देना चाहे तो इसमें दे सकता है, तो उनका काम भी हो जाएगा, मैडम को तो देना ही नहीं है, वो तो भेज देगी बच्चे को, उसका तो काम हो गया। यस सो रिस्टेश एफ इज द आंसर। नेक्स्ट हेयर उन फ्राउ हॉर्न यूबरलेगन O be the doctor of gymnasium or the lieber of the real schule. Gehen sollte. Means, not sure. Überlegen. Madam or sir, jo hai ye, Herr und Frau Horn, überlegen. Means, they are thinking about. O be the schule, doctor.
उनको बेटी को जिम्नाजियम में भेजे या रियल शुल्ले में भेजे? वारुम, कौन से वर्ड ऐसे हैं जिससे आपको लगा कि यही होना चाहिए? वो टिप्स जो शूल शूल टिप पर उन शूल रिपोर्ट ओके दे रहे हैं स्टेट शूल एंड उन स्टार्ट मिट पोर्ट्रेट्स देयर गिफ्ट टिप्स, वो टिप्स देते हैं शूल टिपन। शूल टिपन का मतलब है किस टाइप की स्कूल्स और स्कूल फॉर्म्स, उसके बारे में हिल्फ्ट एल्टर्न द रिश्ते के एनसाइडिंग सुत्रेफन पेरेंट्स की हेल्प करते हैं राइट डिसीजन लेने में, और वो दोनों हस्बैंड वाइफ कंफ्यूज है तो उनको यहाँ पे हेल्प मिल सकती है। या रिश्तेश, दिस इज रिश्तेश, परफेक्ट, ये गुड। अलेक्जेंडर मार्टिन नेक्स्ट इज यार अबिटुअर उन ब्राउट उन बेडिंट नाक हिल्फ है इन शेमी उन फिजी एरजुक टाइगन लेरर डेयर सू इन नाक हाउस अकाउंट किसी में भी शमी और उसका फिजिक का स्पेशल नहीं मेंशन। ओके, सो इसमें था अगले साल केमिस्ट्री एंड फिजिक्स की, मैथ्स की यस ऑलमोस्ट दो तीन। ओके, और उनको चाहिए भी ऐसा टीचर जो घर पे ही आके ट्यूशन करा दे, तो ऐसा कोई भी इसमें अवेलेबल नहीं होगा कि वो घर पे ही आके कराए, राइट? या अजुदासी धन नुल, परफेक्ट। कोरिना हर दिराडे या मैथमेटिक स्टूडियम अब दिशलोसन उन जुक्त अरबाइट इन आइनम नाक हिल्फ इंस्टीट्यूट, उसने अपनी मैथमेटिक्स की स्टडी कंप्लीट की है, अब दिशलोसन मीन्स कंप्लीटेड एंड सर्चिंग नाउ ट्यूशन इस इंस्टीट्यूट में। A means here, okay. Schuler Hilfe Bear Zug Nach Hilfe Lehrer, okay. वो तो इंस्टीट्यूट ढूंढ रही है और यहाँ पे Schuler Hilfe Bear ये ट्यूशन टीचर ढूंढ रहे हैं। अब के Schlossen Studium कि भाई कंप्लीट होनी चाहिए स्टडी, ऐसे नहीं कि पढ़ते हुए आएगा बच्चा, नो कंप्लीट स्टडी है वही पढ़ाने देंगे उसी को। फिर मैथमेटिक उन लाइक ओके लाटाइन, सो मैथमेटिक में या बेटा बे बे बेबी देख लेते हैं। मैथमेटिक इंटेलिजेंटस लर्नर कि इंटेलिजेंट तरीके से सीखना, क्लास एन नोइन दिस वर्ल्ड कि अवेलेबल है, मिट डीजर सॉफ्टवेयर शार्प टू मैटर प्रॉब्लमलेस, ये तो कोई सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं नाइन्थ से ट्वेल्थ के बच्चों के लिए कि मिट डीजर सॉफ्टवेयर शार्प टू मैटर प्रॉब्लम लॉस से लैंड स्टॉफ 9th से 12th तक के सब बच्चों के लिए पूरा स्टफ एक साथ मिल जाएगा, उसके आंसर भी मिल जाएंगे। तो ये तो कोई सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड, लेकिन उसको जॉब चाहिए और इधर ये जॉब दे रहे हैं, तो आंसर तो यही होगा। सर सेम है वो, मतलब उनको हेल्प चाहिए नाक हिल्फ गिजुक ये नाक हिल्फ चाहिए नाक हिल्फ है हाँ इनको टीचर चाहिए नाक हिल्फ गिजुक फ्यू लटाइन उन माटे। या सेंटर क्लास है शुलरिंग 10th की क्लास की बच्ची है उसको तो वो चाहिए, और इसमें उसको जॉब चाहिए। या ये इंस्टीट्यूट ढूंढ रही है, इंस्टीट्यूट ढूंढ रही है, देखो यहाँ पे कोरोना जी जुक्त अरबाइट इन आइनम नाक हिल्फ इंस्टीट्यूट, यहाँ पे तो ये प्राइवेट बंदा मान लो कोई ट्यूशन कर भी लेगा तो नौकरी तो नहीं लगी ना, कुछ दिन में फ्री होगा टीचर वापस, बट यहाँ पे इंस्टीट्यूट है, सो इन तीनों में से इसलिए ये वाला ज्यादा ठीक है। नेक्स्ट मार्कुस ब्राउट अनबिडिंग्ड डेसर एंड नॉर्टन ही सर्च नीड्स, कैसे भी उसको अच्छे मार्क्स चाहिए। वेन एयर द साबिटूअर शाफन विल अब बिफोर एग्जिस्ट फ्यूरिंग नाक हिल्फ इंस्टीट्यूट एनशाइडेट म्योस्ते ए गुकन ओब द लेरर डॉट गुट अर क्लेरन क्योनन, मतलब इसको ट्यूशन तो चाहिए बट एक बार ये चेक करना चाहता है, डेमो क्लास लेना चाहता है ये। सो डेमो क्लास कौन दे रहे हैं भाई? ओके आइनफा गुटे नोटन अनलेक क्लासन ऑन शूल टूपन, तो यहाँ पता चल रहा है क्या कि ये डेमो क्लास दे रहे हैं?
स्वाई प्रोबे स्टूडेंट, प्रोबे का मतलब है ट्रायल, दो ट्रायल दे रहे हैं भैया ग्राटिस, ग्राटिस मतलब फ्री में, पैसे नहीं लगेंगे। सो कभी ग्राटिस आता है, कभी कॉस्ट लॉस आता है, कभी उमजोन्स आता है, कभी फ्राई आता है, तो आपको पता होना चाहिए मीनिंग वही है फ्री पॉकेट में। लेना गेट इन क्लास नाइन ऑन हार्ट स्लेस्टन नोटन इन मैटर रिजुक्ट आई एम कंप्यूटर प्रोग्राम दस ईयर हेल्प एंड कान ये वाला ना कंप्यूटर प्रोग्राम, यस परफेक्ट। सो वन बाय वन एक बार आंसर सब बता दो। और राइटसन वार योट, योट फियटसन एफ, फ्यूमसन ए हाफ, हाफ जेसन नुल, नुल जिप्सन ए, अक्सन ए, उंच नॉनसन बी, परफेक्ट। जो इस टेस्ट या उधर नाइन फिंडेड दी पर्जोन दास एस आइंसल किंडर बेसर हाबन, व्हाट डज इट मीन, क्या मीनिंग है इसका? वन किंड दोज बॉक्स ही सब सिंगल चार्ज इज बेटर। सो मतलब जैसे कोई बोले कि लेरर हाबन इज गुड जी आरबाइटर नाइन फॉर स्टूडेंट ऑन डन स्टूडेंट ऑन डन गिनिशन फील्स राइट साइड दी लेरर हाबन इज गुड, गुड हाबन का मतलब है मजे है, टीचर्स के मजे है, ऐसे इन्होंने बोला है दास फिंडेड दी पर्जोन दास एस आइंसल किंडर बेसर हाबन की जो इकलौते होते हैं उनके मजे हैं, है क्या? अगर ये इकलौते के फेवर में है मजे का मतलब, अगर ये बंदा इकलौते बच्चे के फेवर में है तो या, और ये कहता नहीं भाई भाई बहन नहीं होने चाहिए। सो देन नाइन चेक इन गया तो इससे पहले आपसे तो पूछ लू मैं, आप लोग क्या मानते हो, इकलौते या भाई बहन? भाई बहन, भाई बहन, ओके भाई बहन, भाई बहन। हर्ष देखो बीच में दही खाने चला जाता है तो ऐसे पता चल जाता है। हाँ सर। अजो आइंसल किंड ओडर गेश्विस्टर सर, कल तो करना ही नहीं, तुम आज भी नहीं कर रहे, ये है मजेदार बात। तो नहीं सर कर रहा था पर सर समझ नहीं आया। क्या इसमें समझ में आती कि क्या बात है? मैं ये पूछ रहा हूँ इकलौते इकलौता होना चाहिए या भाई बहन होना चाहिए? भाई बहन हो तो ज्यादा सही है। ओके रागिनी आइंसल किंड ओडर गेश्विस्टर गेश्विस्टर फ्लैश्ड ना? या ओके मेरी वाइफ भी ऐसे ही सोचती है। ओके क्लार सो इकलौता होना चाहिए या वो होना चाहिए ये लोग क्या कह रहे हैं? तो हर्ष अब ये लोग अगर ये बोलेंगे 20th में कि या, तो मैं पूछूंगा कहां, तो तुम भी देख लेना कि किस कारण से हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है? सो स्वांशिश, स्वांशिश में अंगेला है, अंगेला इकलौते के फेवर में है या फेवर में है तो या। सो व्हाट इज द आंसर? या वरुण वो कह रही है कि भी अकेला बच्चा है वो मतलब फैमिली में अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, प्रॉब्लम करती है, तो फिर तो नाइन बोलना चाहिए। या सर नाइन में है। अगर आप कह रहे हो कि अकेला अंडरस्टैंड नहीं कर पाता तो इसका मतलब है कि ये उसको गलत मानती है अंगेला। नाटुलिश हाबे शाइन माइनुम दाक्सू, ऑफ कोर्स आई आल्सो हैव एन ओपिनियन, मेरी भी आई आल्सो हैव डिवाइड भी करना पड़ता सब कुछ। यस देखो यहाँ पे पहला सेंटेंस ही देखो देन क्योंकि इश बिन आइंसल किंड
मैं एक सिंगल चाइल्ड हूं, इश कान मियर काइंडनेस शोनर अ फॉर्म देयर किंड हाइट उन फैमिली लिवन फॉर स्टेलन, मैं इकलौती हूं और इससे बढ़िया कोई फॉर्म मुझे लगता नहीं कोई होती होगी, इकलौते के आनंद अलग ही है। ओके इसके तो भाई ऐसा मानना है, काइंडनेस शोनर अ फॉर्म देयर किंड हाइट अलसिस्ट हार्मोनिश उंड अलस्किंड मुस्मंजिश फील मेयर ऑफ द एल्टन आइनलासन, कि पेरेंट्स का भी पूरा प्यार मिलता है, अकेला है रे, लादो खिलौना कोई बात नहीं। देन मान हाथ या खाइना आंद्रे फैमिली मिट लीडर ना झंझट ना टंटा, हां पेरेंट्स का भी पूरा पूरा प्यार, मान बिल्डेट एन आइन हाइट में देन एल्टन पेरेंट्स के साथ भी बढ़िया जमती है, हिल्फ देम किंग राइफ फंड फॉर न्यूफिस टू वेडन, और वो मैच्योर और ज्यादा मैच्योर होता है, देखो इसकी बात, या मतलब सिंगल के फेवर में है ये। आई डोंट फ्रांसिस या सिंगल के फेवर में है, कैसे कौन से वर्ड कौन सी लाइन डिसाइड कर रही है? वो यही कह रहे हैं कि पहले मेरी मैं अकेला था, फिर मेरी मदर ने मैरिज कर ली और वो दो और हो गए और फिर मुझे सब कुछ वो करना पड़ा, सीरीज देनी पड़ी, हैव टू डू सब हेल्प करनी पड़ी, वो मतलब चाह नहीं रहा था बट अब मामा ने शादी कर ली तो अब वो क्या करे बेचारा, है ना। सो बट सर इसमें तो लास्ट लाइन में भी है ना कि अलोन इज नॉट सो ग्रेट फॉर मी, देखते हैं इस बार यार लाम लाइन, मैं सालों तक कई साल तक मैं अकेला था, डन हार्ट मैंने मूड और विडर भी हाई रेट, मामा ने फिर शादी कर ली, शोन हटे ईश्वाई हाल गिश्विस्टर, अब मेरे भाई दो और स्टेप ब्रदर सिस्टर हो गए हाल गिश्विस्टर, इस फरमिश एश इमर नॉक दस मैंने मोटर माल लेंगर नूअर फिर मिस साइट हार्ट, कि क्या जमाना था, मम्मा केवल मेरे पे फोकस करती थी, अब तो भाई नए बच्चे हो गए तो उन पे फोकस करती है, हार्ट ओडर दस इस नेक्स्ट स्टैंडिस अल मैंने सीरीज आउट लाई ऊंट देन आंद्रन बाई इर्गिन वास हेल्प एंड मूस, मुझे वो बाकी दो को भी हेल्प करना पड़ता है, खुश नहीं है ये द फ्रॉइड दारुबर नेक्स्ट अलाइन सुजाइन इश्ट बाय मियर निश्ट जो ग्रोस द फ्रॉइड निश्ट अलाइन सुजाइन, निश्ट स्टैंडिश अल माइनस सीडीज हाउस लाइन सारी शेयर करनी पड़ती है, और द फ्रॉइड दारुबर निश्ट अलाइन सुजाइन अकेला नहीं होना मेरे लिए कोई खुशी की बात नहीं लेके आया, मतलब ये तो अकेले होने के फेवर में ही चला गया, ये कह रहा है कि शेयर करना पड़ रहा है भाई बहनों के साथ, खुश नहीं है ये उस चीज से अल्टीमेटली। स्वयं फ्रांसिस नाइन मान लास्ट लाइन में क्लियर हो रहा है कि अलाइन सुजाइनिस्ट इमर नेगेटिव, अलाइन सुजाइनिस्ट इमर नेगेटिव, सो नाइन ऑलवेज इट्स नेगेटिव। ग्राइम फ्रांसिस बीइंग अलोन इज ऑलवेज नेगेटिव, यस इसका पर्सनल एक्सपीरियंस है सो का। ग्राइम फ्रांसिस कंफ्यूजन था तो पढ़ते हैं हम लोग, वेन मान एश माल और वाक्सन उन बाइडन एल्टन आउस की सोगनिस्ट बिकॉमन गेश्विस्टर आइन आंद्रे विस्टिश काइट गेश्विस्टर जिन इम स्पेटर लीबन इमर वेराइट आइन आंद्रे सु हेल्फन, ये कह रहा है कि भाई देखो पेरेंट्स के साथ तो कितने दिन है हम लोग, फिर हम लोग पेरेंट्स का घर छोड़ के जाना भी पड़ता है, लेकिन जब मुसीबत आती है तो भाई बहनी अपना खून अपना ही होता है, ये कह रहे हैं ये कि गेश्विस्टर जिन इम स्पेटर लेबन, मम्मा पापा तो चले भी जाएंगे दुनिया से लेकिन भाई बहन रहेंगे स्पेटर बाद की लाइफ में, इमर दे राइट दे विल बी ऑलवेज रेडी आई नॉट अंडरस्टू हेल्प हम वो ही हेल्प करेंगे। जोल्टन दी गिमाइन जामन एल्टन फ्लेग ब्राउखन खान मान जिस दीज ऑफ का बटाइलन, अगर मान लो पेरेंट्स भी बुढ़ापे में अगर सारा उनको भी जरूरत पड़ती है तो वो भी बंट जाता है, अकेले पे भार नहीं पड़ता, ऐसे कह रहे हैं। सो उंट मान हट इमर परजोनन आउस देयर आइगेन गेनरेशन
die Zeuge unserer Kindheit und Jugend waren. Alle, das hat ein Einzelkinder nicht. कि ये सब अकेला बच्चा क्या करेगा? So nine, अकेले के फेवर में नहीं है ये, क्योंकि पेरेंट्स को मदद करने की बात हो, खुद को लेटर लाइफ में मदद की बात हो, तो वो अपने वाले ही करेंगे, अपने तो अपने हैं जी, राइट? फिर ऑन फ्रांसिस, या उन्हें नाइन, फिर ऑन फ्रांसिस डिसाइडिंग नहीं है क्या? या वाई वरुण या आज हम सिर्फ इस मुश्मन जाइन साइट ऑन क्राफ्ट निश्चित वर्षों में के आज आंसर किंड मुश्मन जाइन साइट ऑन क्राफ्ट निश्चित बाय जोल्सन कैंपन फलीरन ओ ये कह रहा है कि अगर भाई बहन होंगे तो वो झगड़ते रहेंगे, झगड़ोगे तो ये मान के चल रहा है कि भाई बहन झगड़ते झगड़ते हैं, कह रहा है झगड़ेंगे तो एनर्जी भी खराब होगी, वाह कितना क्रिएटिव सोच रहा है। सो ऑल साइंसिल कैन मूस मान साइन एट साइट ऑन क्राफ्ट जुलसन कैन फन फर्लियर, मेरे तो मेरे भाई बहन से नहीं बनती और हमारे तो झगड़े चलते ही है। या कह रहा है अलाइन जाइन इज बेसर, ओके देखो ऑल दी स्ट्राइट उन आउ साइन में जेट सुंगन हबन मिस जेयर फील क्राफ्ट की कॉस्टेड, मेरे झगड़ों में जिंदगी चली गई, ठीक है। देखो ऊपर भी फर्स्ट लाइन भी यही है, विद माइनन गेश्विस्टर्न हावे स्मिस नी गुड फर्स्ट आंडन, मेरे भाई बहनों के साथ मेरी कभी नहीं बनी, पता चल रहा है इसी में खोट है। बट या अलोन अकेले ही रहना पसंद करेगा। फिर पॉइंट फ्रांसिस नाइन नाइन वरुण नाइन बच्चों को प्रेशर रहता है, स्ट्रेस रहता है, दास एल्टन फील फोन इन एन अरवाटन मीन्स पेरेंट्स उनसे बहुत एक्सपेक्ट करते हैं तू बड़ा होकर डॉक्टर बन। अच्छा when as in their family and more I can give than most these are all they are watching and aligned are fuller and sumesh okay ye keh raha ki agar akela hoga to dono parents usi se expect karenge sab kuch to us pe pressure aa jayega okay than most these all the are watching and aligned are fuller un mendestan sumendest is the sign un arcleta seal koi bina disahin hoke भाई गेश्विस्ट एंड फर्टाइल जिस डीजे ड्रूक, वाह कि अगर भाई बहन होंगे तो ये प्रेशर भी बढ़ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा कि चल ये कर ले। तो लाइफ सर इसमें तो फिर उसके पॉजिटिव बोल रहा है, भाई बहन के फेवर में जा रहा है ना। हाँ क्योंकि हाँ तो ये तो भाई बहन के फेवर में जाना ही तो नाइन है, क्योंकि ऊपर ये लिखा है कि क्या ये बंदा सिंगल पेरेंट सिंगल चाइल्ड के फेवर में है, तो सिंगल चाइल्ड के फेवर में है तो हम या कर रहे हैं, और ये तो भाई बहनों बटेगा तो मतलब नाइन भाई बहनों के फेवर में हो गया ये। दिस ऑल विच द स्लेबन फ्यूर किंडर दी गेश्विस्टन हैपन आइन फाकर, जिन बच्चों के भाई बहन होते हैं उनकी जिंदगी इजी होती है, तो नाइन इसीलिए ये क्वेश्चन शुरू में समझना बहुत जरूरी है, अगर किसी ने वो लाइन नहीं समझी तो नाइन का यार या का माइन हो जाएगा, aus ganz situation okay easy rehta hai the pedagogische forschung gibt uns ja eine eindeutige antwort ki research bolti hai iska answer batati hai i mean sir can can respond intelligence their hair feel better and regular utri matlab ye keh rahe hain ki single child hoga
तो वो इंटेलिजेंट होगा, इंटेलिजेंट होगा, इंटेलिजेंस बेसर एट मतलब कोई कोई काम है को उसे स्टार्ट करेगा तो अच्छा करेगा। हाँ मतलब वो कह रहे हैं कि देखो इंटरेस्टिंग व्हाइल एस गिविशन मासन फोन स्वायर वक्सनन ट्रेनियर्ड कि मतलब स्टूडेंट एक और उसके टीचर दो मम्मी पापा ट्रेनियर्ड विल्ड इम विल्ड उन उंटर ब्रोकन के हल्फन बिना किसी डिस्टरबेंस के उसकी बार बार हेल्प की जाती है दोनों के द्वारा उंट द सेलेक्ट जिस इम विशन और उससे फिर उसका ज्ञान बढ़ जाता है सूल विजन विशन उंट अल्गेमाइन विशन हर तरीके से उसका तो नॉलेज उसका तो भैया हो गया कल्याण तो मतलब या ये तो फेवर में जा रहे हैं। ओके गुड जो इस टेस्ट उंट हियर दन खंपिंग प्लास नुत्सुंग्स ओडनुंग ओके फिर हुंड है डॉग्स के लिए क्या है इष्ट डेर ऑफन थाल्ट इन बेराइस दस फ्राइबर्ड्स निष्ठ सुगिलासन इस कैंपिंग क्लास निष्ठ फोर गिजेन मुस्मान आइन माल लिश फिन फोरो विद साबिन वस दस आ वारुम मिस से उसने वो कह रहे हैं कि दो सारे एरिए में बहुत लाउड कुछ एरिए में ही लाउड नहीं वो तो ठीक है मैं कह रहा हूँ से क्यों नहीं है फ्यू हुंडे आपने आप बोला फ्यू हुंडे इस देर ऑफन थाल्ट इन बराइस दिस फ्राई बार्स निष्ठ सुगिलासन आई मालिश बंस उसको पे करना पड़ेगा इसने ये लिखा उसने लिखा कि हमें मतलब पे करना पड़ता है जब भी वो तो सेवंथ में ऐसे भी सेवंथ हुंडे ओके हुंडे जिनिम फ्राई बार्ड गेलेंडर निष्ठ अलाउड यस इससे पता चलता है कि आ आंसर है कि वो जो फ्राई बार्ड है वहां पे कुत्तों को निष्ट सुगिलासन और निष्ट अलाउड एक ही बात है और जो पे करने वाला कहां ओके यहीं इसी में नहीं है लास्ट लाइन ऑफ देम कंपिंग प्लस म्यूशन दी अनगिलाइंट ब्लाइबन अनगिलाइंट का मतलब है कि उनके पट्टा गले में रहना चाहिए कि कुत्ते को बिना पट्टे के छोड़ दिया आपने वो नहीं चलेगा भाई उंट ड्यूरफन खाइनन कंपर गेफर्डन और किसी भी कैंपर जो भी कैंपिंग करने आ रहे हैं उनको नहीं नुकसान होना चाहिए ear mit often thalt costed fünf euro pro tag ये भी एक बात है वहां पे तो आइन मालिस कह रहे हैं कि एक बार 5 यूरो लगेंगे वो कह रहे हैं 5 यूरो नहीं लगेंगे दो दिन रुकोगे तो 5 और 5 10 पर डे के 5 लगेंगे फर्क है यस सो से इज निस्ट अकॉर्ड आइन मालिस नहीं एवरीडे 5 यूरो उम सु ग्रिलन मुस्मान वो कान मान ग्रिलन उम सु ग्रिलन इफ यू वांट टू ग्रिल एन नोया फॉरेस्ट एले बेविलेश बिकॉमन बेविलिक बिकॉमन अन बेस्टिंगटन स्टेलन फायर माखन उम अराउंड दिस बिटन बे अन बेस्टिंगटन स्टेलन फायर माखन आई एम शाय ड्राइव हियर फ्यून वो ड्राइव ड्राइव ओके लादर फायर und grillen sind nur an den dafür vorgesehenen Feuerstellen erlaubt. Yes. Means, ये grilling वहां कर सकते हो जो already वहां पे दे रखे हैं जगह जगह चूल्हे हैं तो उनमें आप कर सकते हो प्लेस बता रखे हैं कि यहाँ यहाँ पे ग्रिलिंग की जा सकती है वहीं पे कर सकते हो बस सो ऑलरेडी यस पहले से डिसाइडेड है उनमें सो ऑन बिस्टिंगटन स्टेलन फॉयर माखन द टॉयलेटन वो जी द टॉयलेटन आप ऐसे इसके डॉट आउट टॉयलेटन नोर डॉट इस्ट मान फॉर क्लिस्टेड द नॉट वर्स सुशुक्षण देर ऑफन थाल्ट डॉट इस्ट फॉरबोडन ऑफन थाल्ट का मतलब है स्टे ऊपर जोन जो है वहां पे रुकना अलाउ नहीं है लिखा हुआ है आई एम शाय ड्राइव हियर फ्रॉम जैक्सन बनाउट
Das betreten der Uferzone ist aus Naturschutzgründen untersagt. Untersagt का मतलब मना है कि natural उनका habitat उसको सुरक्षित रखने के लिए. This is Alternist या उनके right Werden, इसको गंदा नहीं किया जा सकता. Weder als Toilet noch als Müllkippe है. Angeln im Fluss ist verboten. Fishing भी allowed नहीं है. So the Uferzone gilt auf से केवल उन्हीं जगह पे नेचर को केयर करने की बात है. उन्हीं जगह पे नहीं, नेचर का तो ध्यान सारे में रखा जाएगा. फरफ्लिस्टेड का मतलब है आपकी ड्यूटी बनती है केवल उन्हीं जगह का ध्यान रखने का, प्रोटेक्ट करने का. सो ऑफन थर्ड डोट इज फॉरगॉटन से इज द अनकोट. So here is say, und 29 A, 28 B, und 27 A. A. Das sind dann die Antworten. So ist